में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने थोड़ा बहुत निगेटिव प्राइस तो देखा, लेकिन अभी भी जो क्लोजिंग है 2440 पे है और कैपेबिलिटी इस स्टॉक के ट्रेंड को देख करके आप समझ पाएंगे तो 2600 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट कर सकता है। आखिर ये लेवल्स कैसे हमने प्रिडिक्ट करे, इसके क्या न्यूज ट्रेंड हो रहे हैं, डाउनसाइड क्या पॉसिबिलिटी है, उसको समझे इससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप और लर्निंग ग्रुप से जुड़ना है तो। साथ में ही मार्केट साइंटिस्ट के चैनल को विजिट करें आप रेगुलर मार्केट के अपडेट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, साथ में ही सभी गाइडेंस आपको उस चैनल पर भी मिलेगा। यहां देखेंगे तो 2440 की क्लोजिंग रही है। ओवरऑल जो ट्रेंड है काफी पॉजिटिव है और यहां कंपनी ने जो नंबर डिक्लेयर करे, यहां जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करे वो देखेंगे तो इस समय हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर करे, यानी जो नंबर्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही यहां देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसके डिमर्जर को लेकर के कंटिन्यूअस ट्रेड होते हुए दिख रहा है। जहां हमने क्या कहा था कि 1:1 के रेशियो में आपको शेयर मिलेंगे, 1 रिलायंस शेयर के लिए एडिशनल आपको 1 जियो फाइनेंस के शेयर भी मिलते दिखेंगे। वॉल्यूम अभी भी देखेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत जो है अभी भी ये दिख रहा है। पहली बार हमने क्या कहा था, 2420 एक मेजर रेजिस्टेंस है जो इस समय सपोर्ट बना है और हाईएस्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट यहां से हुआ, इसके बाद स्टॉक ने 2440 के आसपास की क्लोजिंग दी है। लेकिन जो रिसेंट के हाईएस्ट प्राइस बनते हुए दिखे थे वो लगभग 2448 के आसपास का प्राइस जो है अपने को देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। म्यूचुअल फंड की भी बाइंग देखेंगे तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। टेक्निकली जो अर्लियर ये सपोर्ट हुआ करता था वो यहाँ पे देखेंगे तो 3 times रेजिस्टेंस बना, इस समय अगेन ये सपोर्ट बनेगा। पहला टारगेट 2605 का आप देखेंगे तो 2650 का आ रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए 2485, 2530 और 2600 ये 3 टारगेट आएंगे। इस समय अगर आपने कॉल ले रखा है तो इसमें आपको 2410 के नीचे के डेली क्लोजिंग को ऐसा लेना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है तो एक एक्सपेक्टेड रैली ऊपर की तरफ दिखेगा।